हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सुमन किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, जिसे हम मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी में मसाले कम होते हैं, सब्जी फीकी फीकी सी लगती है या फिर मनपसंद सब्जी ही नहीं होती है, तो आप उसके साथ ये हरी मिर्च का तीखा चटपटा अचार ले लें तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। इसे आप दाल चावल पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपके अचार सालों साल भी खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। इसे मैंने दो बार साफ पानी से अच्छे से धोकर और हल्के से गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक डालकर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। 2 मिनट बाद पानी से निकाल लिया। तो यहाँ पर इसे आप नमक पानी में ज़रूर धोएं, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और हरी मिर्च अच्छे से साफ भी हो जाएगी। मिर्च को धोने के बाद इसे मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछकर 10 से 15 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखा लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर धूप में भी सुखा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हरी मिर्च में पानी बिल्कुल भी न लगा रहे। अगर ज़रा भी पानी लगा रह गया तो अचार में बहुत जल्दी फंगस लगने लगता है, यानी अचार खराब होने लगता है। मिर्च का अचार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हरी मिर्च खरीदें तो हमेशा गहरे हरे रंग की मिर्च खरीदें। ये देखिए, इस तरह की ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है और इसका अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। आप हल्का हरे रंग की मिर्च न लें, ये देखिए इस तरह की। इसका अचार तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसका अचार ज़्यादा दिन नहीं चलता। गहरे रंग की हरी मिर्च का अचार ज़्यादा दिन चलता भी है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे कि मिर्च का ये जो डंठल वाला भाग है, इसे हमें निकाल देना है। डंठल को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसे इस तरीके से हाथ से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डंठल रह गया तो अचार के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसे हम इस तरीके से कैंची से या फिर चाकू से काट कर हटा देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से सभी मिर्च को काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारे मिर्च के डंठल को हटा दिया है। अब इसमें इस तरह से कैंची से एकदम बीचों बीच कट लगाएंगे। कैंची से काटने से हाथ में जलन नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आप इसे काट कर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाकू से काट रहे हैं तो पहले हाथ में हल्का सा तेल लगाकर काटें, इससे हाथ में जलन नहीं होगी। तो अब इसी तरह से सभी मिर्च को काट कर तैयार कर लेंगे। अगर ज़्यादा लंबी मिर्च है तो उसे 2 भाग में काट लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी मिर्च को काट कर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, गैस को बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच सौंफ। सौंफ से अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसकी मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया और साथ ही में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच राई। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली राई लिया है, जिसे बनारसी राई कहते हैं। आपके पास ये वाली राई नहीं है तो आप यहाँ पर मोटी वाली, काली या पीली कोई भी राई हो उसे ले सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे धूप में सुखाकर भी ले सकते हैं। तो मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक भून लिया है और इसमें से हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आने लगी है। मसालों से बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब गैस पर फिर से उसी पैन को रखेंगे, गैस को मीडियम रखेंगे और ये मैंने लिया है 1/2 कप सरसों का तेल। ये बड़े वाले चम्मच से 8 से 9 चम्मच तेल है। अब इसे इसमें डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। अचार वगैरह सरसों के तेल में बहुत बढ़िया बनते हैं और काफ़ी दिन तक चलते भी हैं। तो ये देखिए, इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से हरी मिर्च का ये इंस्टेंट अचार। तो सबसे पहले इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि इसको बढ़िया से मिक्स कर सकें। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
और साथ ही में डालेंगे एक छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। कलौंजी को न तो गर्म किया जाता है और न ही इसे पीसा जाता है। एकदम बाजार वाला कलर लाने के लिए इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। इसका फ्लेवर अचार में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसमें डालेंगे दो चम्मच नमक। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, इससे अचार ख़राब नहीं होता है और खाने में भी एकदम चटपटा लगता है। और अब ये जो मैंने खड़ा मसाला भूनकर तैयार किया था, उसे मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मसालों को दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, इससे अचार एकदम बढ़िया बनेगा। अब ये मैंने लिया है वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। तो 6 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे। आपके पास कोई भी सिरका हो इसमें डाल सकते हैं। अगर सिरका नहीं है तो आप यहाँ पर 3 नींबू का रस निचोड़ कर डाल दीजिएगा, इससे भी अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ये लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगा। अब लास्ट में डालेंगे इसमें तैयार गरम तेल, जो हमने पहले से गरम करके रखा था। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे भी डाल देंगे और अब सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अचार देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। अब इसे स्टोर करने के लिए ये मैंने लिया है कांच का जार। इसे मैंने गर्म पानी से अच्छे से धुल कर धूप में बढ़िया से सुखा लिया है। तो अब अचार को इसमें भर देंगे। आप यहाँ पर प्लास्टिक का, कांच का कोई भी जार ले सकते हैं, बस अच्छे से धुलकर बढ़िया से सुखा लें। अब इसके ऊपर कपड़ा बांधकर 2 से 3 दिन धूप दिखा दें तो ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये लीजिए, अब बिल्कुल तैयार है हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।